कुमार जी 17 साल में न मुख्यमंत्री थे कि 17 ही महीना में मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछना चाहिए जो 17 साल में उनसे जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे जब मैं नौकरी दूंगा नोक बहाली कीजिए तो उन्हीं के द्वारा बयान दिया जाता था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बाबूजी के घर से लाएंगे क्या? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो समाज में सबसे गरीब तबके के लोग हैं, महादलित दलित अति पिछड़ा पिछड़ा शोषित वंचित, उनकी अभी आवाज़ हमेशा बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयान देते हैं, 400 सीट में 238 अपर कास्ट के लोगों को टिकट वो दिए हैं, सामान्य वर्ग के लोग तो चुनाव नहीं जीत कर आते हैं, उनको MLC और राज्यसभा बनाने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का किया। वही चिराग जी का बंगला खाली हमारे नेता नहीं करवाए थे, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाए थे। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान का यह साफ कह रहा है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस है उसमें देखा जाए तो जो भी पार्टियां है आपस में भिड़ते रहती है, कहीं ना कहीं झड़प हमेशा देखने को मिलता है और ऐसे में आपसी झड़प लगातार देखने को मिल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं अमित शाह का कल बिहार आगमन हुआ था जहां पर अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव राजद पार्टी पर जमकर निशाना साधा है तो वहीं अति पिछड़ा विरोधी बताया है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव हैं। मुकेश जी कैसे देख रहे हैं अमित शाह या फिर चिराग पासवान लगातार हमलावर दिख रहे हैं इंडिया अलायंस पर, राजद पार्टी पर? ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि आप लोगों के इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपसी झड़प हमेशा होते रहे। देखिए पहले अमित शाह जी जब हम लोग के गठबंधन के बारे में बोले हैं जो अति पिछड़ा और पिछड़ा विरोधी है, अपने दामन में झांक ले जिन्होंने 40 सीट बिहार में है, बिहार की बात कर रहा हूँ, और 40 सीट में कितने अति पिछड़ा समाज को और पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी खास करके 12 सामान्य सीट सामान्य जाति को टिकट दिया और वो हम लोग के पार्टी के और हम लोग के नेता पर छीटा कसी करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो समाज में सबसे गरीब तबके के लोग हैं, महादलित दलित अति पिछड़ा पिछड़ा शोषित वंचित, उनकी अभी आवाज़ हमेशा बुलंद किया, उनको राजनीतिक में हिस्सेदारी दिया, उनको जहाँ जिनकी आबादी कम है वैसे वैसे जाति को अगर चुनाव नहीं जीत कर आते हैं उनको MLC और राज्यसभा बनाने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का किया है काम। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयान देते हैं, 400 सीट में 238 अपर कास्ट के लोगों को टिकट वो दिए हैं, सामान्य वर्ग के लोगों को, और वो हमारे नेता पर छीटा कसी मत करें। तुष्टिकरण का भी आरोप और नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं क्योंकि हमारे नेता उनके बातों पर कहीं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे नेता का मुद्दा सिर्फ जनता के असलियत मुद्दा है, जिससे जनता के सरोकार हो उस मुद्दे की बात करती है। हमारे नेता कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई और कड़वाई वाली सरकार चाहती है, उस पर अमल भी किए हमारे नेता ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी महंगाई के बारे में सोचे, कभी किसानों के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सांप्रदायिक की बात कर लोगों को आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं बिहार ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जानी तय हो चुकी है, इसलिए अनर्गल बयान लोग दे रहे हैं। और रामविलास पासवान जी के लड़का आदरणीय चिराग जी अगर कह रहे हैं तो चिराग जी को सोचना चाहिए, वही चिराग जी का बंगला खाली हमारे नेता नहीं करवाए थे, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाए थे। वो तो कह रहे हैं कि झड़प है आप लोगों के इंडिया, तो हम लोग में झड़प है तो उनका बंगला कौन खाली करवा रहा था, उनके पार्टी को कौन तोड़ा, उनके पार्टी को जनता दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ा ना, हमने नहीं तोड़ने गए थे, उनके चाचा से अलग करवा दिया कौन करवाया। तो जो उनको कभी कहते हैं अच्छा है कभी खराब है, जो उनके पार्टी को नेस्ना नबूद किया, जो उनके परिवार को तहस नहस किया, वैसे लोगों से समझौता करता है, उनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। कुर्सी के लिए जिनका चरित्र होता है कुर्सी के लिए, कुर्सी पाने के लिए, वैसे लोगों से मैं उस पर उन पर बयान नहीं देना चाहता हूँ। कुर्सी के लोभ में बात नहीं करना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार जी भी सिर्फ कुर्सी की बात करते हैं और हमारे नेता काम की बात करते हैं। हमारे नेता 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की तो जब सरकार 17 महीने हम लोग गठबंधन की सरकार में रहे तो 17 महीने में 5 लाख
सरकारी नौकरी दिलवाने का काम क्रेडिट हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के है। कुमार ने कहा कि हमने रोजगार दिया थे। नीतीश कुमार जी 17 साल में न मुख्यमंत्री थे कि 17 ही महीना में मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछना चाहिए जब 17 साल में उनसे जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे जब मैं नौकरी दूंगा नौक बहाली कीजिए तो उन्हीं के द्वारा बयान दिया जाता था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बाबूजी के घर से लाएंगे क्या पैसा? अब तो ये क्रेडिट तेजस्वी प्रसाद यादव क्रेडिट नहीं हम ले रहे हैं, ये हमारे नेता का ही काम है जो सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया है। वो नीतीश कुमार के कहने से अमित शाह जी के कहने से नहीं होगा, जनता और जिनको नौकरी मिली है वो समझ रहा है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, विकास का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, सम्मान का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार कहा जा रहा है। जगह जगह पोस्टर बैनर और तमाम अनेक दीवारों पर हमारे जा रहा है। हमारे नेता का नकल कर रहे हैं। आप देखे होइएगा हमारे नेता पहले कहे लिखा गया, नेता नहीं लिखा गया, नेता के द्वारा नहीं लिखा गया था। जिनको रोजगार मिला, जिनको सरकारी नौकरियां मिली, उनके द्वारा लिखा गया था रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, सरकारी नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, सम्मान का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। ये उन लोगों के द्वारा कहा गया जिन लोगों को सम्मान हमारे नेता दिए, जो सबसे निचले पैदान पर थे, जिनकी पूछ नहीं होती थी, उन वैसे वैसे लोगों को हमारे नेता ने तरजीह देने का काम किया है। इसलिए सम्मान भी दिए, नौकरी भी दिए। और हमारी सरकार अगर देश में इस बार बन रही है तो 1 करोड़ लोगों को हमारे नेता ने कहे हैं नौकरी और रोजगार देने की बात प्रत्येक वर्ष देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा विहीन बात करते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, कहे अमल किया क्या? उन्होंने 15-15 लाख रुपए सभी लोगों को खाता में भेजने का काम वादा किया था, भेजा क्या? महंगाई पर अंकुश लगाया क्या? अभी महंगाई से लोग त्रस्त है, सबसे ज्यादा देश में अगर किसी चीज से सब लोग प्रभावित है तो महंगाई से। सब चीज पर डीजल पेट्रोल आम खाने पीने के सामान पर इतना महंगाई बेनियंत्रित हो चुका है। इसीलिए बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। अभी 4 लोकसभा में चुनाव हुआ है, 4ों में महागठबंधन हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए 4 लोकसभा का सीट पर चुनाव हुआ है फर्स्ट फेज में, और ऐसे में 4ों महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं और देश में सरकार बनाने जा रही एनडीए अलायंस। ऐसे में चिराग पासवान का बयान हो या फिर अमित शाह का बयान हो, उसको लेकर राजद से बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव काफी ज्यादा क्रोध में थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो एनडीए अलायंस के लोग हैं कहीं ना कहीं झूठा ढकोसला वादा करते हैं, दावा करते हैं। ऐसे में 15-15 लाख खाते में पैसे भेजने की इन लोगों ने बात की थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की इन लोगों ने बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम अनेक मुद्दों को देखते हुए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो वहीं जनता इस बार इन लोगों को जवाब देगी। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं हित में हो या फिर तमाम अनेक कार्य हो वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो भाजपा के लोग हैं वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। पटना से सहयोगी गोलू के साथ अभिषेक।